सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं थीम्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ थीम्स डाउनलोड किए हैं, और जो कि थीम्स प्रीमियम थीम्स है गाइस। तो मैं बता दूं पहले कि ये प्रीमियम थीम्स है, नॉर्मल थीम्स से थोड़ा मतलब ये प्रीमियम जो थीम्स होती है, होती है एक तरह से फ्री की तरह की होती है, मगर जो कि आपको इसके लिए पे वगैरह नहीं करना पड़ता है। ठीक है, प्रीमियम का मतलब ये नहीं कि आपको पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मेरे पास कुछ थीम्स हैं, और जो कि मैं उसको आज आपको बताने वाला हूँ कि जो वो थीम्स है वो कैसे आपके फोन को जो कि एक नया लुक देने वाली है या आपको पसंद आने वाली है ये गाइस। ठीक है, तो गाइस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और चलिए स्टार्ट करते हैं थीम्स की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो पहली थीम है इसका नाम है यूनिक V11, और गाइस ये थीम्स काफी मुझे ज्यादा पसंद है। ये इसके आइकन्स वगैरह और जो कि इसके टोगल्स वगैरह और आइकन्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए इसमें, और जो कि इसमें जो कि थोड़ा एनिमेशन वगैरह काफी ज्यादा इस पर ध्यान दिया गया एनिमेशन की तरफ पे। बाकी की गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन जो कि है आप सॉरी गाइज एप्लीकेशन नहीं है, ये जो थीम है, थीम आपको क्या आपको नया देती है, और आपके जो कि जो MIUI थीम है उससे कितना डिफरेंट है। ठीक है गाइज, तो आप देखिए गाइज आइकन वगैरह में आप एनिमेशन वगैरह देख सकते हो गाइज। ये यहाँ पे सिक्योर गूगल यहाँ पे गाइज देख सकते हो। म्यूजिक आइकन अगर मैं यहाँ पे स्वाइप इधर राइट करता हूँ तो गाइज म्यूजिक हर बार होता है गाइज, अगर आप फोन अनलॉक भी करते हो तो कब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऊपर से टॉगल्स वगैरह नोटिफिकेशन के बारे में, तो गाइज टॉगल्स और नोटिफिकेशन का गाइज यहाँ पे जो दिखता है यहाँ पे आइकन सारे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे वाईफाई का, फ्लैशलाइट, मोबाइल का जो अर्थ अर्थ वगैरह बन जाता है वो आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी गाइज ये सारा चेंज हो जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेटिंग्स की, तो गाइज सेटिंग्स में भी यहाँ पे ऊपर की तरफ एक स्टाइलिश सा रेनबो टाइप का कुछ बन जाता है, और जो कि ये आपको दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में सारा कुछ बदल जाता है यहाँ पे। और गाइज मैं बात करूँ तो गाइज यहाँ पे हर एक चीज के आइकन जो कि डिफरेंट बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फाइल मैनेजर देख सकते हो, उसका भी डिफरेंट बन चुका है। इसको लॉक करते हैं, चलिए लॉक करने के बाद आप इसको ऑन करते हैं, तो लॉक करने के बाद ऑन करते हैं तो गाइज नीचे देख सकते हो आप यहाँ पे गाइज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे दिया गया कि आपको कौन सा पसंद है और कौन सा नहीं पसंद। लॉक स्क्रीन ये ऐसा मतलब कैसा पसंद है आपको, सेंटर में पसंद है, ऐसे पसंद है, ऐसे पसंद है। तो यहाँ पे गाइज कर लेते हैं, चलिए तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसको, चलिए बाहर चलते हैं बैक, और यहाँ से फिर से बैक, और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे डेवलपर चैनल टेलीग्राम जो कि आप इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, सिस्टम कर सकते हो, यहाँ से चेंजिंग वगैरह जो करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, लॉक स्क्रीन भी गाइज काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे इसका, कि आप इसको जो कि ऐसे में जैसे मर्जी करके इसको ऑन कर सकती हो, और जो कि इसको सेटिंग वगैरह कर सकती हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट में दिख जाता है गाइज, ये देखिए लॉक स्क्रीन का भी डिफरेंट आपको मिल जाता है, ये देखिए गाइज लॉक स्क्रीन का भी आपको डिफरेंट मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये डिफरेंट मिल जाता है। ठीक है, तो गाइज ये है हमारी पहली थीम जो कि जिसका नाम है यूनिक V11। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं सेकंड थीम के बारे में। तो गाइज जो अगली थीम है ये है हमारे पास फ्यूचर V11 Pro, जो कि यूनिक V11 Pro का थोड़ा अलग वर्जन दिख जाता है आपको। इसमें भी गाइज आपको आइकन जो कि काफी ज्यादा एनिमेटेड दिखाई देते हैं, क्लॉक वगैरह दिखेगा, इस क्लॉक ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन हो जाता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट तो दिख जाता है, मगर जो कि इसमें मुझे एक बैकग्राउंड इसका काफी ज्यादा मतलब अच्छा या अट्रैक्टिव बोल लो वो लगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो म्यूजिक का आइकन देख लीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा वो करता है वाइब्रेट वगैरह, और जो मतलब सेटिंग का आइकन है वो गियर में चेंज होता है और रोटेट करता है। ठीक है, यहाँ पे सारे आइकन जो कि आराम से चेंज हो जाते हैं। ऊपर की तरफ इस बार बात करते हो, ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन टॉगल बिल्कुल सेम टू सेम है यूनिक V11 Pro की तरह, और जो कि इसमें नीचे यहाँ पे भी इसके आइकन्स वगैरह सारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो गाइज यहाँ पे सब कुछ सेम ही है आपको दिखने को मिल जाता है, मगर जो कि इसके आइकन्स और जो कि नोटिफिकेशन टूगल चेंज हो जाता है, जो अपने नोटिफिकेशन टूगल। अब बात करते हैं इसमें, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपको जो किया है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइज ये देखिए गाइज डिफरेंट डिफरेंट ब्लैक ये वाला सिलेक्ट करके देख लेते हैं, तो गाइज क्या होता है अदर एंड कस्टमाइज, ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये। तो आप इसको लॉक कर देते हैं, ओपन करते हैं, तो शायद इसमें भी यस इसमें भी एनिमेशन था गाइस, मुझे लगा था कि इसमें भी एनिमेशन होगा, क्योंकि जो पहली थीम्स है उसमें भी एनिमेशन था, जो अब ये वेल थीम है इसमें भी एनिमेशन है। तो आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज आपको दिख जाता है यहाँ पे, ये देखिए ओपन करते हैं और ये देखिए गाइस एक छोटा सा एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है इसके बीच में। तो ये रही हमारी आज की सेकंड थीम, और अब बात करते हैं हमारी एंड वाली थीम के बारे में। तो गाइज चिंता मत कीजिए, नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएंगे इसके, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो इसको, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं मिलती है तो मैं गैस डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गैस, ठीक है। तो गैस ये हमारी आज की
लास्ट थीम है। तो गाइज मैंने इसलिए इसको डाउनलोड नहीं किया था क्योंकि जो की है जो मैंने पहले की दो थीम्स बताई है उसमें यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा था। अब गाइज मैं सिंपल बता दूँ, इस पर आप क्लिक करिए, आपको बस एक एड दिखनी होगी। एड देखने के बाद जो की है आपको जो की है सॉरी गाइज आपको जो की है बस ये एड देखनी है। एड खत्म होते ही आपको जो की है आराम से जो की है थीम इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बैक चलते हैं अब फटाफट हो जाए। तो यहाँ पे वेटिंग आ गया, डाउनलोडिंग हो जाएगा। तो डाउनलोडिंग करने के बाद 5 MB की फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जो कि डाउन पहले जो थीम से बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको सेम टू सेम डाउनलोड करना है इसको, और जो कि ये सेम टू सेम आपको जो कि ये देखने को सब कुछ मिल जाता है। तो फटाफट से डाउनलोड हो जाता है और देखते हैं क्या होता है। तो गाइज ये है हमारी आज की आखिरी थीम। तो यहाँ पे गाइज इसमें कोई एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है आपको, जो कि पहले दो थीम्स में काफी अच्छे लगे। वैसे आप इसको कस्टमाइज करके आइकन्स जो है पहले थीम्स वाली कर सकते हो, ठीक है। ऊपर की तरफ गाइज आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल जाता है आइकन। और ये बार बार क्यों परेशान करते हैं यार, हम घर पे बैठे हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो कि पहले की तरह जो कि थीम्स वगैरह और नोटिफिकेशन टूगल देखने, मगर यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह नहीं देखने को मिलता है क्या? आइकन्स वगैरह तो डिफरेंट मिल जाते हैं, एनिमेशन नहीं मिलता। ये शायद पहले दो थीम्स का मिक्सअप होगा, ठीक है गाइज, ये दो थीम्स का मिक्सअप लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे इसमें भी कोई एनिमेशन नहीं है, जस्ट यहाँ पे MIUI के ऊपर एक एनिमेशन है। तो यहाँ पे MIUI के ऊपर एक एनिमेशन है, देख सकते हो आप MIUI के ऊपर एक एनिमेशन है भाई। इसकी क्या जरूरत थी, MIUI के ऊपर एनिमेशन की क्या जरूरत थी? और ओ अच्छा, तो ये ओके तो यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर ऑन हो जाता है, बस डबल टैप करो और म्यूजिक प्लेयर ऑन। तो यहाँ पे ओपन कर देते हैं एनिमेशन गाइस, इसमें कोई देखने को नहीं मिलता है आपको। चलिए गाइस एक चार्जिंग एनिमेशन देख लेते हैं, चार्जिंग एनिमेशन आपको क्या देखने को मिलता है इसमें। तो गाइस चार्जिंग एनिमेशन देख लेते हैं आप इनमें। तो यहाँ पे करते हैं इसको इंसर्ट और देखते हैं कि यहाँ पे तो वही है, मगर यहाँ पे कोई मुझे नहीं लगा कुछ चार्जिंग एनिमेशन का खास। तो यहाँ पे कोई एनिमेशन वगैरह खास नहीं लगा मुझे। तो गैस इतना ही था आज की वीडियो में। तो गैस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो गैस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या लेके आते हैं। गैस अगर आप लोगों को पंजाबी अच्छी लगती है तो गैस पोल में जाइए, वहां पे जाके पोल जरूर कीजिए। कम्युनिटी में पोल रखा है मैंने, तो वहां पे जाके आप इसको पोल करिए। तो वहां पे आपको कोई मतलब पैसे देने की जरूरत नहीं है, जस्ट यस पे या नो पे क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।